हे एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस, योर एनी टाइम क्लासरूम। तो गाइस, अभी चल रहा है हमारा ज्योग्राफी का क्लास, और ज्योग्राफी में हमारे इंडियन ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है, और इसमें दो क्लास हो चुका है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग का कंप्लीट है, तो आप प्लेलिस्ट से जाकर वहाँ से देख सकते हो। और इंडियन ज्योग्राफी में हमारा दो क्लास हो चुका है, और आज हम लोग करने जा रहे हैं इसका थर्ड क्लास, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में देश में 12 मुख्य बंदरगाह हैं। मुख्य बंदरगाह के रूप में घोषित नवीनतम बंदरगाह कौन सा है? तो मुख्य बंदरगाह के रूप में घोषित नवीनतम बंदरगाह कौन सा है? यह है एन्नौर बंदरगाह। कौन सा? एन्नौर बंदरगाह, ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। और ये एक ऐसा बंदरगाह है जो वहाँ के कॉरपोरेट के द्वारा हैंडल किया जाता है, और रेस्ट जो भी बंदरगाह हैं वो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा हैंडल किया जाता है, ठीक है। और आपको एक बात यहाँ से और ध्यान में रखना है कि एक 13th बंदरगाह जो मेजर बंदरगाह बनने जा रहा है, ठीक है, 13th जो 13वां मेजर बंदरगाह बनने जा रहा है वो है आपका तमिलनाडु में ही, ठीक है, कन्याकुमारी के पास कोचिनौर, ठीक है। वो बंदरगाह प्रपोज्ड है, कुछ ही दिनों में वो बन के तैयार भी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसमें ऑप्शन 12 ना रहे तो आप आंसर 13 भी कर सकते हो, मुख्य बंदरगाहों की संख्या, ठीक है। लेकिन अगर 12 ऑप्शन में है तो अभी फिलहाल आप 12 ही करोगे। अगला क्वेश्चन है कि बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर यह किस जगह पे है? तो किस राज्य में है बांदीपुर? यह है कर्नाटक में। कहाँ है बांदीपुर? कर्नाटक में। देखो, दो आते हैं जो आपको बार बार कंफ्यूज करता है, एक बांदीपुर एक बांधवगढ़, ठीक है। तो बांदीपुर आप याद रखना, बांदीपुर, बंदी, बांदी, ठीक है। बांदी मतलब कौन सी होती है? वो गुलाम लोग, ठीक है, उसको बोलते हैं बंदी या बांदी बोल सकते हो, ठीक है। तो बंदी लोग जो होती है वो बहुत नाटक करती है, तो बंदी क्या हो जाएगी? नाटक, ठीक है। तो बांदीपुर हो गया नाटक। थोड़ा सा एक लॉजिक है जो आपको याद रखने में बहुत हेल्प करेगा। बांधवगढ़, देखो दो है, बांदीपुर और बांधवगढ़, कन्फ्यूजन होता है। तो बांधवगढ़ आपका है मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब बांदीपुर आपको याद है भी, फिर भी आप कंफ्यूज होते हो मध्य प्रदेश में है कि कर्नाटक में है। तो याद रखना, बांदी लोग जो होती है, ठीक है, गुलाम लोग जो होती है वो बहुत नाटक करती है, तो बांदी कर्नाटक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि खेतड़ी में कौन सा खनिज पाया जाता है? खेतड़ी में कौन सा खनिज पाया जाता है? खेतड़ी किस चीज के लिए फेमस है? खेतड़ी राजस्थान में है और ये तांबा के लिए फेमस है, ठीक है। राजस्थान का जो प्रमुख एक तांबा का उत्पाद क्षेत्र है, उत्पादन क्षेत्र है, वो कौन सा है? वो है खेतड़ी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी वापसी के समय कहाँ वर्षा करती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून, ठीक है, ये है इंडिया, यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून घुसती है, ठीक है। लेकिन जब ये वापस होती है तो सबसे अधिक बारिश कहाँ करती है? तो ये करती है तमिलनाडु क्षेत्र में। कहाँ करती है? तमिलनाडु के तट पर, और इसको शीतकाल का बारिश भी बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि घाना पक्षी अभयारण्य निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है? घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? घाना पक्षी अभयारण्य स्थित है राजस्थान में। घाना पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? राजस्थान में। राजस्थान के किस जिले में स्थित है? भरतपुर में, ठीक है, भरतपुर। अभी देखो, अभी जिला भी पूछा जा रहा है एग्जाम में। पिछली बार के रेलवे एग्जाम में बहुत सारे जिला पूछा गया था कि ये अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में है, या आपको राज्य दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा किस जिले में स्थित है। ये भरतपुर में स्थित है, ठीक है, घाना पक्षी विहार भरतपुर में स्थित है, ठीक है। और अभी जो मैंने ऊपर आपको एक बताया था, खेतड़ी राजस्थान, खेतड़ी राजस्थान जो तांबा के लिए फेमस है, उसका शायद मैंने वहां पे जिला नहीं बताया था, आप उसका भी जिला अगर लिखना चाहो तो लिख लो, वो है झुंझुनू जिला, ठीक है। कौन सा जिला है? वो है झुंझुनू, झुंझुनू जिला, उसका भी आप नोट डाउन करना, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। झुंझुनू जिला में स्थित है खेतड़ी, और अभी मैंने बताया यह है घाना पक्षी विहार जो है भरतपुर में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में चंदन लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो चंदन के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? यह है कर्नाटक। भारत में जो चंदन का प्रोडक्शन होता है वो मैक्सिमम कहाँ होता है? वो होता है कर्नाटक में, ठीक है। और कर्नाटक के क्षेत्रफल का अगर ऑलमोस्ट देखें तो 30% भाग चंदन के पेड़ों से ही घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? सरदार सरोवर परियोजना बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, किस राज्य में स्थित है? यह है गुजरात में, सरदार सरोवर। आप ध्यान देना, यहाँ पे लोग पंजाब मार देते हैं, यहाँ तो आपका ऑप्शन नहीं है, लेकिन सरदार देख के लोग पंजाब मार देते हैं, ठीक है। लेकिन ये सरदार सरोवर परियोजना है, आपके सरदार से इसको कोई संबंध नहीं है, ठीक है। तो सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? यह है गुजरात में, और किस नदी के तट पर है? यह है नर्मदा नदी के तट पर। शायद आप सभी को ये आता हो, ठीक है, किस नदी पर? नर्मदा नदी के तट पर।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा राज्य गैर सहतूत यानी नन मलबरी रेशम उत्पादित करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप जानते हो रेशम उत्पादन के लिए मलबरी मस्ट है। मलबरी क्या होता है? मलबरी एक तरह का पौधा है, ठीक है। मलबरी के पत्तों पर रेशम का जो कीट होता है, ठीक है, वो मलबरी के पत्तों से ही अपना खाना प्राप्त करते हैं, तो इस कारण से जो मलबरी है वो मस्ट है। लेकिन बहुत ऐसा है जो बिना मलबरी के भी रेशम का प्रोडक्शन करते हैं यानी दूसरे सोर्सेज से, तो आपको वही बोला जा रहा है कि भारत में गैर सहतूत यानी नॉन मलबरी रेशम जो है वह उत्पादन कहाँ होता है, उसके लिए फेमस कौन सा जगह है। तो उसके लिए फेमस है उड़ीसा। कौन सा जगह है गैर सहतूती रेशम के लिए? यह इसको बोलते हैं ईरी रेशम कहा जाता है। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि नॉन मलबरी रेशम जो होता है या गैर सहतूत रेशम इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है ईरी। आप इसको नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ईरी रेशम। ईरी रेशम तो ईरी रेशम के लिए कौन सा जगह फेमस है? ये है ओडिशा। कौन सा जगह फेमस है? ओडिशा, ठीक है। और यह रेशम बादामी रंग का हो सकता है, ठीक है, और इसमें जो चमक होता है वह कम होता है, जो आप नॉर्मली रेशम देखते हो उससे कम चमक होता है, और उससे नरम भी ये होता है, ठीक है, उसका जो सॉफ्टनेस है वो ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में यूरेनियम खदान स्थित है। तो भारत में यूरेनियम खदान कहाँ स्थित है? तो चारों ऑप्शन को आप ध्यान से देखो, तो सबसे ज़्यादा यूरेनियम जो भारत में मिल सकता है वो है जादूगोड़ा, ठीक है। यूरेनियम कहाँ है? जादूगोड़ा। आपके सिंघू में भी मिलता है, लेकिन यूरेनियम का महत्वपूर्ण जो क्षेत्र है वो है जादूगोड़ा, ठीक है, झारखंड में स्थित है जादूगोड़ा, वो है यूरेनियम का महत्वपूर्ण क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पूर्वीय तट पर प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? पूर्वीय तट पर प्राकृतिक बंदरगाह, तो यह है आपका पश्चिमी तट और यह है पूर्वी तट। तो पूर्वी तट पे स्थित प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो चार ऑप्शन में से देखो, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, ठीक है, यह पूर्वी तट पे स्थित है, और कोलकाता मद्रास और तुतीकोरी। ये आपको यहाँ पे दोनों चीजों का ध्यान रखना है कि पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, तो प्राकृतिक बंदरगाह है विशाखापट्टनम, ठीक है। चेन्नई या मद्रास जो पोर्ट है वो बनाया गया पोर्ट है, यानी वो आर्टिफिशियल है। तुतीकोरिन भी तमिलनाडु में है, ये भी पूर्वी तट पे ही है, लेकिन ये भी आर्टिफिशियल है। कोलकाता भी आर्टिफिशियल है, ये नदियां है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि डेम्पियर होजेस रेखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? डेम्पियर होजेस रेखा ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है सुंदरबन से। किससे संबंधित है? सुंदरबन से, डेम्पियर होजेस रेखा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली भारत में निम्नांकित में से किन राज्यों के बीच स्थित है? ये देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। संघ शासित प्रदेश दादर व नागर हवेली किन राज्यों के बीच स्थित है? तो दादर व नागर हवेली है गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित, ठीक है, गुजरात और महाराष्ट्र के बीच स्थित है केंद्र शासित प्रदेश दादर व नागर हवेली। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप तभी कर पाते हो जब आपके पास मैप का थोड़ा ज्ञान हो, ठीक है। अब देखो, अगर ज्योग्राफी में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मैप का आपको नॉलेज लाना बहुत ही जरूरी है। अब मैप में सिंपल सा चीज़ है कि आपको ये पता होना चाहिए कौन सा जगह कहाँ पे है, तभी आप इसमें अच्छे से मार्क्स उठा सकते हो, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन फुल्ली मैप पे बेस्ड है कि आपको ये पता होना चाहिए कि दादर व नागर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में है। अगर मैप पे आपको याद है तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्थानिक समय आधारित है। तो भारतीय स्थानिक समय, हम लोग का जो लोकल टाइम है वो किस पर आधारित है? तो यह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, आप सभी जानते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी घाट का दक्षिणतम दर्रा क्या है कहलाती है? तो पश्चिमी घाट का दक्षिणतम दर्रा का बात किया जा रहा है, तो पश्चिमी घाट का दक्षिणतम दर्रा कौन सा है? यह है पालघाट। कौन सा है? पालघाट। यह है पश्चिमी घाट का दक्षिणतम दर्रा, ठीक है, और ये नीलगिरी के दक्षिण में अनामलाई की पहाड़ियों में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वह एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर है जो केसर का उत्पादन करता है, और भारत का यह एकमात्र राज्य है, ठीक है। आप सभी जानते हो कि इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन होना ही नहीं चाहिए कभी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से किस खनिज के लिए भारत आत्मनिर्भर नहीं है? ये अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा एक ऐसा खनिज है जिसके लिए भारत आत्मनिर्भर नहीं है? तो वो है तांबा, ठीक है। तांबा में भारत के यहाँ पे तांबा का प्रोडक्शन इतना काफ़ी नहीं है जिसका सारा यूज़ जो है वह हो सके। तांबा के लिए जो फेमस एरिया है जैसे अमेरिका हुआ, कनाडा हुआ, जापान हुआ, ठीक है, पूर्वी अफ्रीका हुआ, जाम्बिया हुआ, तो इन सारे देशों से हम लोग आयात करते हैं तांबा, भारत इसमें आत्मनिर्भर नहीं है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती है? तो कौन सी ऐसी नदी है, अगर यह है भारत तो पश्चिमी घाट से कौन सी नदी शुरू नहीं होती है? तो कौन सी नदी है वो नदी है महानदी। महानदी पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती है। आप जानते हो कि नदी, अगर आपने पढ़ा है, तो महानदी है ओडिशा में, ठीक है, और ओडिशा में अगर ये है तो ये पश्चिमी घाट से शुरू कैसे होगी, पश्चिमी घाट तो यहाँ पे, ठीक है। तो महानदी छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से, छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में अमरकंटक नामक पहाड़ है वहां पे, ठीक है, उसके दक्षिण से स्टार्ट होती है, और इसका मेन जो एरिया है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ही है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ से ये स्टार्ट होती है, तो पश्चिमी घाट में इसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, महानदी। रेस्ट सभी का स्टार्टिंग पॉइंट जो है, ओरिजिनेटिंग पॉइंट, वो सभी पश्चिमी घाट में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है तापीय ऊर्जा, यानी थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आप जानते हो कि हमारे यहाँ पे ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, यह है थर्मल इलेक्ट्रिसिटी या थर्मल एनर्जी। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय आधारित है, भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय आधारित है, तो भारतीय मानक समय किस पर आधारित है? ये देखो, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, बस आपको समझ में आना चाहिए। 82.5 डिग्री ईस्ट जो लिखा गया था उसी को लिखा गया 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो यहाँ से आपको मैंने जानबूझ के इसको रखा ताकि आपको ऑप्शन में, अगर दोनों ऑप्शन में कहीं दिखने को मिल जाए तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। देखो इसमें दोनों ऑप्शन किस तरह से देगा, 82 डिग्री जैसे 30 मिनट है, तो यहाँ पे आपको 1/2 ईस्ट ना देके वेस्ट दे देगा, तो आप कंफ्यूज हो गए, आपको तो ये आदत है नहीं, तो आप ध्यान में रखना यहाँ ईस्ट होगा और ये 82.5 डिग्री लिखने का दोनों तरीका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो भारत के सबसे पूर्वी भाग में कौन सा राज्य स्थित है, तो ये राज्य है अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है, अरुणाचल प्रदेश। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बार बार कि सबसे पहले भारत में सूर्योदय कहाँ होता है, सबसे पहले भारत में सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में ही होता है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश का राजधानी कहाँ है, यह है ईटानगर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से भारत का कौन सा राज्य चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो चाय की खेती के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है, तो आप सभी जानते हो यह है असम, ठीक है। कौन सा राज्य है, यह है असम, जहाँ पे चाय बहुत अधिक मात्रा में उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित भारतीय राज्यों में से किसमें चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो चावल का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है, तो चावल का उत्पादन सर्वाधिक होता है पश्चिम बंगाल में। भारत में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित नहीं है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें देखो ये क्वेश्चन में आपको बहुत सारा चीज आना चाहिए, ठीक है, लेकिन अगर आपको यहाँ से थोड़ा सा नाम क्लियर है तो इसमें से आप अगर देखोगे तो पहला है बरनवा पारा, दूसरा है बांधवगढ़, तीसरा है अचानकमार और चौथा है कंगरे। इसमें से जो एक ही है बांधवगढ़, जो बहुत ज्यादा कॉमन है, रेस्ट सब जो है वो कॉमन नहीं है। तो अगर बांधवगढ़ का आपको आता था तो आप आसानी से मार सकते हो, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया बांधवगढ़ कहाँ, ये है एमपी में, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बांधवगढ़, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा था छत्तीसगढ़ में कौन सा नहीं है, तो छत्तीसगढ़ में कौन सा नहीं है, बांधवगढ़ नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ से याद कर लेना है कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा है, तो पहला है बारनवा पारा, बारनवा पारा, उसके बाद अचानकमार और कांगड़े, ये तीनों है छत्तीसगढ़ में। बरनवा पारा, अचानकमार, कांगड़ा, ये सब कहाँ है, ये सब है छत्तीसगढ़ में, बांधवगढ़ है एमपी में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, ये है चंडीगढ़, दिल्ली, पौंडीचेरी, लक्षद्वीप। आप बताओ भारत में कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पे इन चारों में से अगर आपको बाहर निकालना होगा तो आप दिल्ली को निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि दिल्ली को एक राज्य भी घोषित कर दिया गया है, ठीक है। इस कारण से आप यहाँ पे अगर आपको एक्सक्लूड करना होगा तो आप इसको निकाल सकते हो, क्योंकि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा भी प्राप्त नहीं है और ये केंद्र शासित भी है, ठीक है, दोनों तरह से आप बोल सकते हो। यहाँ पे LG जो है वो पावरफुल है, तो इन चारों में से अगर आपको निकालना कोई होगा तो आप दिल्ली को ही निकाल सकते हो, क्योंकि रेस्ट जो भी है वो सब केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, फुल्ली। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो भारत के वृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग कौन सा राज्य नहीं है, यह है उड़ीसा, ठीक है। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से जो उड़ीसा है वह भारतीय प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और यह प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि खैबर दर्रा स्थित है, खैबर दर्रा या खैबर पास ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में स्थित है खैबर दर्रा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार उपांत से नहीं निकलती है? प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है कौन सी नदी, इनमें से कौन सी ऐसी नदी है? तो आप देखो, अब प्रायद्वीपीय पठार आपको क्लियर होना चाहिए, भारत में जो निचला वाला पार्ट है, ठीक है, इसी को हम लोग प्रायद्वीपीय पठार बोलते हैं। ठीक है, निचला वाला पार्ट जो हो गया यही हो गया प्रायद्वीपीय भारत। तो जो साउथ इंडिया में आएगा वो सब प्रायद्वीपीय भारत में ही होगा, जो साउथ इंडिया का नहीं है वो आपको बताना है यहाँ से। ठीक है, तो यमुना, दामोदर, सोन और चंबल, आप जानते हो यमुना जो है वो हिमालय से निकलती है, तो इसका तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, जो ये साउथ इंडिया के आसपास में भी कहीं पे भी इसका हो सकता है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय पठार में आपका यहाँ तक आएगा, इस बीच में जहां तक आपका जो भी रीजन आ जाए वहां से आपका आप ले सकते हो, लेकिन इसके ऊपर तो आप नहीं जा सकते हो ना। नॉर्थ इंडिया में जम्मू कश्मीर तो आप प्रायद्वीपीय पठार में इंक्लूड नहीं कर सकते हो, तो आपको कन्फ्यूजन हो सकता था, जैसे चंबल है, दामोदर है, तो आपको इन सब पे कन्फ्यूजन हो सकता था क्योंकि ये सब मिड में ही है। ठीक है, मिड इंडिया में आपको यहाँ मेरे नजर आएगा ये सारा, तो लेकिन ये सब यहाँ छोड़ के अगर कोई ऊपर है इससे भी ऊपर तो वही हो जाएगा आपका आंसर, वो है यमुना, जिसका ऑरिजिनेटिंग पॉइंट जो है वो है हिमालय में। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा यमुना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? तो गंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट नदी है और इसके तट पर जितने भी शहर हैं सबका नाम आपको पता होना चाहिए, तो कौन सा शहर है वो है दिल्ली। दिल्ली आप जानते हो ये यमुना के तट पर है, गंगा के तट पर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे जोड़ते हैं, नेशनल हाईवे को जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है वो किसको जोड़ने के लिए कंस्ट्रक्ट किया जाता है? तो वो किया जाता है व्यापार केंद्रों और राज्य की राजधानियों को। ठीक है, जो भी देश का जो भी जितना भी बड़ा बड़ा व्यापार केंद्र है उन सभी को जिस राज्य के राजधानी जो भी राज्य है वहां पे, जिस राज्य में वो व्यापार केंद्र है उसके राजधानी से उसको जोड़ा जाए, और फिर राजधानी को भी अलग अलग राजधानियों से जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये होता है जितना भी राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, उनका जो कंस्ट्रक्शन का वे होता है ये है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? पश्चिमी समुद्र तट पर, तो पश्चिमी समुद्र तट पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप जानते हो दक्षिण पश्चिम जो मानसून है पश्चिमी तट पे बोला जा रहा था, पश्चिमी तट ये है और दक्षिण पश्चिम मानसून से ही यहाँ पे बारिश होती है, अगर पूर्वी तट पे पूछता आपसे तब हो जाता लौटती हुई मानसून। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? बंगाल की खाड़ी और समुद्र सॉरी अरब सागर में जो भी जो यहाँ का तटीय क्षेत्र है वो आपसे पूछा जा रहा है उसकी लंबाई कितनी है। तो मैंने आपको एक बार बताया हुआ था, आपको याद है या नहीं है पता नहीं, मैंने आपको बताया हुआ था कि दो तरह से आपसे तटीय सीमा पूछा जाता है, एक मेन लैंड का, ठीक है, ये है मेन लैंड जो अभी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ये है मेन लैंड, और अलग आप फिर जानते हो हमारा जो बहुत सारा द्वीप है, अंडमान निकोबार आपका, दूसरा आपका द्वीप है लक्षद्वीप, ठीक है, तो इन सारे को अगर मिला दें तो मेरा टोटल जो है वो कुछ और होगा। ठीक है, और लेकिन अगर सिर्फ मेनलैंड का पूछा जाए तो यहाँ जो है ये है टोटल 6100 किलोमीटर, कितना है 6100 किलोमीटर इसकी लंबाई है मेनलैंड का, लेकिन अगर सबको मिला देंगे तो वो 7516 के आसपास है। ठीक है, 7516 ये टोटल, ये सबको अगर मिला दें आपके लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार इन सब को मिला दें तो, लेकिन अगर सिर्फ मेनलैंड का पूछेगा तो 6100 किलोमीटर होगा जो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल डैश के समीप है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल ये है महाबलेश्वर के समीप, कहाँ है महाबलेश्वर के समीप। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार क्या है? महाराष्ट्र में किस तरह का मैक्सिमम जो मिट्टी है वो पाया जाता है? तो महाराष्ट्र फेमस है आप जानते हो काली मिट्टी के लिए। ठीक है, तो कैसी मिट्टी हो जाएगी, काली मिट्टी या रेगर सोइल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा से राजस्थान सटा हुआ नहीं है? तो राजस्थान किस राज्य के सीमा से सटा हुआ नहीं है? अब इसको हवा में तो आप बना नहीं सकते हो। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैप का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अब मैं मैप पे दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको, जहां से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। ठीक है, देखो ये है राजस्थान आपका। ठीक है, और राजस्थान से सटा हुआ कौन कौन सा राज्य है आप देख लो एक बार, पंजाब, उसके जस्ट नीचे हरियाणा, उसके नीचे यूपी, उसके बाद मध्य प्रदेश और गुजरात।
तो कितने राज्य हो गए? ये हो गए टोटल 5 राज्य जो राजस्थान से सटे हुए हैं। और आपके ऑप्शंस में जो जो भी वहां पे था, ठीक है, जो अभी आपने देखा, उसमें से महाराष्ट्र भी ऑप्शन में था। महाराष्ट्र आप देख लो, अगर आपको थोड़ा सा और नीचे जाओ मैप में, तो महाराष्ट्र यहाँ है। ये गुजरात से बाउंड्री टच करता है महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश से, ठीक है, राजस्थान से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, जो राजस्थान को टच नहीं करता है, ठीक है। तो देखो मैप का आपको इसमें रटने लायक कोई चीज नहीं है, आपको है कि बार बार आप इसको देखोगे, ठीक है। मैं एक मैप का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ जो इजी सा क्लास होगा, जिसमें आपको कुछ भी बहुत ज्यादा न्यू चीजें सीखने को नहीं मिलेंगी, लेकिन आपके मैप में मैं एक एक स्टेट करके एक एक जगह को मैं ये बताऊंगा कि ये कहाँ पे है नहीं है, ठीक है। जिनका भी वो पोर्शन कमजोर है तो वहां से वो क्लियर कर सकते हो। वर्ल्ड का भी बहुत सारे देशों के बारे में आपसे पूछा जाता है, और इंडिया के बारे में तो बहुत सारे जगहों के बारे में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप कि राजस्थान का आपको क्लियर हो गया कि महाराष्ट्र जो है वह गुजरात और मध्य प्रदेश पहले आ जाता है महाराष्ट्र के बाद, तब उसके बाद ऊपर आता है राजस्थान। ये देखो, तो गुजरात और मध्य प्रदेश ये दोनों महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच में बाउंड्री बना देता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमार्ग कहाँ स्थित है? गुलमार्ग या गुलमार्गा कहाँ स्थित है? ये स्थित है कश्मीर में। आप इसको गुलबर्गा के साथ कंफ्यूज मत करना, गुलबर्गा है कर्नाटक में, गुलमार्ग है कश्मीर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है, कौन नहीं जानता है। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो जम्मू जम्मू किस नदी के तट पर है? तो जम्मू झेलम नदी के तट पर है, ठीक है। कहाँ है जम्मू? झेलम नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन है कि कारगिल शहर किस राज्य में स्थित है? कारगिल शहर किस राज्य में स्थित है? तो आसान सा क्वेश्चन, ये जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। कौन सा? कारगिल। कारगिल का युद्ध बहुत ही फेमस था, आप सभी जानते हो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पंजाब की राजधानी कौन सी है? पंजाब की राजधानी कौन सी है? पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा की राजधानी कौन सा है? हरियाणा की राजधानी भी है चंडीगढ़, ठीक है। पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़, और चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है जो चंडीगढ़ का भी राजधानी ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे लंबी सड़क है? तो भारत में सबसे लंबी सड़क, तो भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर 4 ऑप्शन में आप देखो तो आपको एक भी ऑप्शन सही नजर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये क्वेश्चन है 2003 का और अब आंसर इसका चेंज हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे भी जो ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें से भी आंसर गलत ही है, ठीक है। आपके एग्जाम एग्जाम में जो क्वेश्चन था वो गलत था। यहाँ पे आपको इसे याद रखना है, क्या याद रखना है कि अभी जो सबसे लंबी सड़क है वो है NH 44। बहुतों के दिमाग में NH 7 आ चुका होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि NH 7 को बदले हुए 1 साल हो गया है, और NH 44 है अभी भारत का सबसे लंबा रोड, ठीक है। इसकी जो कुल लंबाई है वो है लगभग 3745 किलोमीटर। कहाँ कितना है? 3745 किलोमीटर। और इसका जो एक्सटेंशन है वो श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी, यानी ऊपर से लेकर डायरेक्ट नीचे, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक ये फैला हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो गुलाबी शहर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? यह है जयपुर, जो राजस्थान में स्थित है। ये राजा सवई जयसिंह के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, और इसी को बोला जाता है गुलाबी शहर। अगला क्वेश्चन है कि अलीगढ़ निम्नलिखित में से किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? किस चीज के उत्पाद के लिए अलीगढ़ फेमस है? अलीगढ़ बहुत ही फेमस है तालों के उत्पादन के लिए। किसके लिए? ताले, ठीक है। ताला, जो ताला चाबी आप यूज करते हो, ठीक है, ताले के लिए। भारत का सबसे बड़ा जो क्षेत्र माना जाता है वो है अलीगढ़, यहाँ पे तालों की बहुत सारी कंपनियां हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह है? तो आसान सा क्वेश्चन, विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है? यह है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। विशाखापट्टनम बंदरगाह एक नेचुरल बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है गुजरात। कौन सा है? गुजरात सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य है। और सबसे कम अगर आपसे पूछा जाता, सबसे कम है गोवा। गोवा बहुत छोटा सा, आप जानते हो, ठीक है, सबसे कम है गोवा। दूसरी सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य भी आपसे पूछा जाता है तो वो है आंध्र प्रदेश। तो दोनों चीजों को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विश्वेश्वरैया नहर कहाँ है? विश्वेश्वरैया नहर के बारे में पूछा जा रहा है, विश्वेश्वरैया नहर कहाँ है? तो विश्वेश्वरैया नहर है, यह कावेरी नदी के दाईं ओर से निकलती हुई नहर, ठीक है। विश्वेश्वरैया नहर कैसी है?
यह कावेरी नदी के दाई ओर से निकलती हुई नहर, या मैसूर और मध्य कर्नाटक के क्षेत्र में बहती हुए बहती है, ठीक है। कौन कौन सी विश्वेश्वरैया नहर कहाँ बहती है? मैसूर और मध्य कर्नाटक के क्षेत्र में बहती है, और वहां पे सिंचाई के काम में ये काम आती है, और ये कावेरी नदी के दाई ओर से निकलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट स्थित है, तो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट ये कहाँ स्थित है? तो देखो इसको थोड़ा सा आप कॉमन सेंस से मार सकते थे, अगर आपको पता है कि जोग या गोरसप्पा जो जल प्रपात है, ठीक है, वो कहाँ स्थित है और उसका दूसरा नाम क्या है, तो उसका दूसरा नाम है महात्मा गांधी जल प्रपात, ठीक है। इस कारण से आप थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे लगा सकते थे कि महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है, ये जोग प्रपात पे स्थित है, ठीक है। और ये जोग या गोरसप्पा जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात ये सारावती नदी पर है, साबरमती नदी नहीं, सारावती, ठीक है, सारावती नदी, सारावती नदी कर्नाटक में, ठीक है, उस पर यह स्थित है और इसी पे बनाया गया है आपका जल विद्युत उत्पादन प्लांट महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है कि गोगक प्रपात कर्नाटक के किस जिले में है? गोगक प्रपात, गोगक प्रपात, गोगक प्रपात कर्नाटक के किस जिले में? मैंने बताया आपको किस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और अब इसका जो क्वेश्चन का नंबर है इस तरह के क्वेश्चंस का वो बढ़ गया है, जहां पे आपको जिला के बारे में पूछा जाता है। तो गोगक जो है यह बेलागावी जिले में स्थित है, ठीक है, कर्नाटक के बेलागावी जिले में स्थित है गोगक जलप्रपात, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? अब यहाँ पे आ गया, अब इसको मारो, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य, अभी मैंने आपको बताया बांदीपुर है कर्नाटक में सबसे पहले, तो आपको ये याद रखना है, उसके बाद ये याद आपने कर लिया, तब कर्नाटक के किस जिले में ये भी बताओ, तो कर्नाटक के किस जिले में, यह है मैसूर जिले में, ठीक है, बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य यह कर्नाटक राज्य के मैसूर जिले में स्थित है, ठीक है, और ये बाघ के लिए बहुत ही फेमस है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन कृष्णा नदी की सहायक नदी है? कृष्णा की एक सहायक नदी कौन सी है, जो भी आपके निम्न में से दिए हुए हैं इसमें से कृष्णा की सहायक नदी कौन सी है? भीमा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, सभी, तो आंसर हो जाएगा आपका सभी, ये सभी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। कृष्णा नदी की मुख्य सहायक नदी कौन कौन सी है? कोयना, ठीक है, ये टनला, वरना, पंचगंगा, भीमगंगा, तुंगभद्रा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह और मुसी नदी। आप अगर एक बार नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो, ये है कृष्णा नदी। तो पहला मैंने क्या बताया, मैंने बताया कृष्णा नदी की मुख्य सहायक नदियों में से पहला कोयना नदी, ठीक है, कोयना नदी। दूसरा मैंने क्या बताया, दूसरा मैंने बताया येटनला नदी, ठीक है, ये आप नोट डाउन करो, येटनला, ठीक है, येटनला एक नदी है, येटनला नदी, ठीक है। तीसरा मैंने क्या बताया, तीसरा मैंने बताया वरना नदी, वरना, वरना नदी, ठीक है। चौथा मैंने बताया पंचगंगा, उसके बाद मैंने क्या बताया, उसके बाद मैंने बताया भीमा, ठीक है, ये सब भी नोट करते जाना, तुंगभद्रा और घाट प्रवाह, माल प्रवाह और एक है मुसी नदी, ठीक है, ये सब है किसकी सहायक नदी, ये सब है कृष्णा की सहायक नदी, आपने आई होप कि नोट डाउन कर लिया। अगला क्वेश्चन आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, कर्नाटक राज्य में बेलोरी क्षेत्र किस उद्योग के लिए जाना जाता है? बेलोरी या बेलारी, ठीक है, बेलारी, इसको हम लोग जनरली बेलारी ही जानते हैं, बेलोरी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो किस क्षेत्र, बेलारी जो क्षेत्र है यह किस चीज के लिए फेमस है? बेलारी ऊनी वस्त्र के लिए बहुत ही फेमस है, ठीक है, कर्नाटक का एक जगह है बेलारी, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बेलारी किस राज्य में स्थित है, ये कर्नाटक में है और ये क्षेत्र जो है ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, तो आज के सेशन में बस इतना ही क्वेश्चन हम लोग रखेंगे, चलिए कल फिर से मिलते हैं इसके अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय।